कर ले पहुंचे पहुंचे हैं। हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि वो दे रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निवास पर वो पहुंचे हैं दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें जी, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि कल्याण सिंह जी के निधन पर शब्द नहीं है मेरे पास दुख व्यक्त करने के लिए। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से वो दुखी हैं, और सिर्फ इसलिए दुखी नहीं है कि उनके एक उनसे जो निकटस्थ संबंधी चला गया, बल्कि इसलिए भी दुखी हैं क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं इस स्थिति तक लाने वाले, उनके दिशा प्रदान करने वाले उनके नेता कल्याण सिंह अब नहीं रहे। हमारे साथ आशुतोष शुक्ला कल्याण सिंह जी के आवास से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, प्रधानमंत्री ने दिवंगत नेता कल्याण सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या जानकारी देंगे आज हमें? देखिए निखिल, अभी प्रधानमंत्री जो है आवास पर पहुंचे हैं। उन्होंने दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि दी है, और इसके साथ ही उनके परिजनों से भी मुलाकात की है, उनके बेटे और पौत्रों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया है, और इसके साथ ही अब उनके वापसी की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन निखिल, जिस तरह से प्रधानमंत्री चल करके दिल्ली से कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, ये निश्चित रूप से कल्याण सिंह के उस तत्व को दर्शाता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जब एक नए रूप में जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और उसमें जो पुरोधा किस्म के नेता थे जिन्होंने काफी मेहनत करके पार्टी को सींचा था और पार्टी को आज इस काबिल बनाया है कि पार्टी पूरे देश में और कई राज्यों में शासन कर रही है, एक सिद्धांत और एक अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बात करती है उसको लेकर के चल रही है, कल्याण सिंह का उन्हीं पुरोधाओं में से नाम गिना जाता है, और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री चल करके उनको अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कल्याण सिंह का व्यक्तित्व और उनका राजनीतिक व्यंग्मय इतना विशाल था कि उस विशालता में संपूर्ण राजनीति समाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीति में जिस तरह से वो एक पाठ्यक्रम के रूप में काम किए, उन्होंने एक पाठ लिखा, जिस तरह से उन्होंने दृढ़ इच्छा के साथ शासन किया, और यही नहीं अपने सिद्धांतों के लिए अपनी सरकार की बल देने में भी इन्होंने एक मिनट नहीं सोचा, निश्चित रूप से वो श्रद्धा के पात्र हैं। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, वो लोकवासी हो चुके हैं, तो उनके पार्थिव शरीर पर न केवल श्रद्धा सुमन स्थापित करना बल्कि उनको जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर याद किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की दलीय राजनीति जो है आज कहीं ना कहीं सिमट कर कल्याण सिंह की श्रद्धा देने के लिए यहाँ पर आई है। कई सारे नेता यहाँ पर विभिन्न दलों से आए, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, निश्चित रूप से वो कल्याण सिंह के उस विशाल पद को जो है बताता है। ये निखिल, बिल्कुल आशुतोष, कह सकते हैं कल्याण सिंह जी को उनके समर्थक, उनके निकट रहने वाले लोग बाबूजी के नाम से संबोधित करते थे, और ये पदवी उनके व्यवहार और नेतृत्व की अलग शैली की वजह से उनको दी गई थी। उनका सरल सहज जो व्यक्तित्व था, कह सकते हैं एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने जब शुरुआत की तो वो अपने लोगों के लिए एक अभिभावक की तरह ही थे और हर वक्त तैयार रहते थे उनकी मदद के लिए। किस तरह से देखते हैं आज उनके उस सरल सहज व्यक्तित्व की वजह से, उनके स्नेह की वजह से आज जो हम देख रहे हैं कि हर आम खास और इतनी भीड़ जुटी है उनके अंतिम दर्शन के लिए? बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज मेरी जो है विधानसभा के अध्यक्ष के हृदय नारायण दीक्षित से बात की थी, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कल्याण सिंह के बारे में यही कहा कि मैंने आज अपना एक गार्जियन, एक अभिभावक को दिया है। बाबूजी की उपाधि अनायास नहीं मिल जाती है किसी को, उसके लिए उसके पीछे उनका जो सहज स्वरूप था, वह सहज स्वरूप जो है उनको इस स्तर पर ले गया कि सभी उनको अपना अभिभावक मानते थे। गया यह बताने में हमें कोई संकोच नहीं है कि जिस स्थान से अतरौली से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, वो उसी स्थान से उन्होंने 9 बार लगातार जो है विजय हासिल की, और बार बार अतरौली विधानसभा जो है उनको चुन करके विधानसभा में भेज की थी, जिसमें से 2 बार वो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे, जहां पर एक सख्त प्रशासक की उनकी छवि थी, वहीं पर जो है एक सहज व्यक्तित्व भी था जो आम लोगों के लिए सदैव सर्वसुलभ रहा करता था। सिद्धांत भी उनके जो है लोकप्रिय हुआ करते थे, उनकी ना भी लोग बड़ी सहजता से लेते थे, क्योंकि सभी को इस बात का मालूम था कि जो सैद्धांतिक है, जो नैतिक है, वही कार्य जो है कल्याण सिंह से संपादित कराया जा सकता है।
और यही कारण है कि जब वो अपने शासनकाल में वो जो निर्णय लेते थे तो अगर लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा जरूर लगता था कि ये ठीक हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन जब उसके व्यापक अर्थों को देखते और समझते थे तो उनको जो है इस बात का आकलन हो जाता था कि किस तरीके से ये लिया गया निर्णय उनके हित में है। प्रधानमंत्री इस वक्त उनके आवास पर मौजूद हैं और उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद यहाँ पर मीडिया से भी शायद मुखातिब हैं और इसके बाद जो है उनकी वापसी की तैयारी है यहाँ से। इसके बाद कल्याण सिंह के शव को विधान भवन ले जाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ले जाया जाएगा और जहाँ जहाँ भी उनके समर्थक हैं, उनके जानने वाले और चाहने वाले हैं उन तक उनके अंतिम दर्शन कराने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। जी अतरौली की अगर बात करें, अतरौली उनका पैतृक निवास, लेकिन जिस तरह की उनकी राजनीतिक कुशलता रही, हम कह सकते हैं कि अतरौली को पहले प्रदेश और फिर देश की राजनीति में जिस तरह से अतरौली का नाम आया वो भी एक बड़ी कामयाबी थी, सफलता थी। देखिए कई चीजें हैं जय, उत्तर प्रदेश में एक परिवार का शासन था समाजवादी पार्टी ने, उसने अपने पैतृक निवास को एक बहुत सारा जनता का पैसा खर्च करके वहां पर एक बड़ा स्थान उसको देने का काम किया, लेकिन कल्याण सिंह ने अभी कभी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने अतिरिक्त कोई सुलभ व्यवस्था कराई हो, बल्कि जो उस स्थान के लिए आवश्यक था, अपने चाहे पैतृक निवास हो चाहे पैतृक घर हो, वहां पर उन्होंने वही व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त जो है लाइन से हट करके उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, ये उनका सिद्धांत नहीं था और यही कारण है कि आज लोग जो है दूसरी सरकार दूसरे व्यक्तियों से उनके उनके व्यक्तित्व को जब नापते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, कल्याण सिंह केवल एक गांव के नहीं थे, एक विधानसभा के नहीं थे, बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के थे और पूरे उनके राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो जो उनका राजनीतिक सफर रहा है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर या विधायक के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर, वह बहुत ही सहज था और एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने सबको अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखते थे और यही कारण है कि जब जातीय राजनीति पूरे चरम उत्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में थी उस समय इन्होंने अपना जो है शंखनाद किया, विपुल फूका और जातीय कलेश कलुष से बचने के लिए लोगों को जो है जागृत किया और यह जागरण जो है चाहे वह अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के रूप में हो, चाहे व्यक्तिगत विकास को लेकर के हो, चाहे क्षेत्र के विकास को लेकर के हो, उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ पूरी सिद्धत के साथ इस कार्य को करने में जो है अपनी रुचि दिखाई और ढेर सारी सफलता भी उनको इस बारे में मिली। जहाँ पर ऐसे मामदन स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी कि लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, वहाँ भी वो हल्ला करने से वो नहीं चूके। उन्होंने जो है 1,00,000 समुदाय की भर्तियों की परीक्षा एक दिन में करवाई, लोगों की नियुक्तियाँ करवाई और कोई भी उन 1,00,000 में अभ्यर्थियों में से ये नहीं कर सकता कि हमने इस पद को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ किया है। जिसके पास मेधा थी, जिसके पास कौशल था, जो जानकार थे। बिल्कुल आशुतोष, और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, श्री कल्याण सिंह जी मेड जन कल्याण हिज लाइफ मंत्रा, ही वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूपी एंड द नेशन, ही बिकेम सिनोनिमस विद ऑनेस्टी एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन, पीएम नरेंद्र मोदी। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रधानमंत्री का एक जो वक्तव्य है वो ट्वीट किया गया है कि कल्याण सिंह जी जन कल्याण के को उन्होंने अपने जीवन का मंत्र बना लिया और उत्तर प्रदेश और राष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने लगातार काम किया और ईमानदारी और गुड एडमिनिस्ट्रेशन जो सुशासन था उसके वो पर्याय बन गए थे कल्याण सिंह जी। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है और इसी से इस बात को जोड़ते हैं आशुतोष आपसे कि ईमानदारी और सुशासन का पर्याय बन गए थे कल्याण सिंह जी, ये कहना है प्रधानमंत्री का अपने ट्वीट में। देखिए निखिल, प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, निश्चित रूप से इस बात को सभी लोग महसूस करते हैं जो लोग उनके शासनकाल में रहे हैं, जो लोग उनके शासनकाल में काम किए हैं वो जानते हैं कि किस तरीके का सुशासन जो है उनको उस वक्त मिला हुआ था, क्या निर्भीकता से काम करने के अवसर पाए जाते थे। मेरा तो छात्र जीवन था लेकिन मैंने यही महसूस किया उसी वक्त कि जो एक लाल फीता शाही थी उसके बंधन को ढीला करने के लिए इस तरह से कल्याण सिंह ने एक कार्यक्रम चलाया और किस तरीके से उन्होंने अधिकारियों की नकेल कसी जिससे कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वो सही रूप से जिसके लिए चलाई जा रही हैं, जो उसका लाभार्थी है उस तक पहुंचाई जा सके, ये अपने में एकदम एक अलग किस्म का उदाहरण था।
और यही कारण है कि शुचिता और पवित्रता का सुशासन का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का, उस नारे को फलीभूत करने के लिए कल्याण सिंह ने अपना पूरा दम लगाया। मुख्यमंत्री रहते हुए आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है इस बात को लेकर कि उन्होंने कहीं कोई ऐसा कार्य किया हो जो कि असंवैधानिक रहा हो या कि व्यक्तिगत लाभ और हित के लिए किया हो। हाँ, राजनीतिक रूप से उन्होंने नैतिकता के जो भी आदर्श और उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते थे वह स्वतः ही प्रस्तुत किया उन्होंने। अब चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे बतौर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहे हों, या फिर सिद्धांतों के लिए समर्पण की जब बात आती है, चाहे वो राम मंदिर का मूवमेंट रहा हो या कि जातीय जकड़न जो उस वक्त जो है विद्यमान थी पूरे प्रदेश में, देश में, उस जकड़न को ढीला करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता होती है। एक कुशल राजनेता की तरह जो है उन्होंने बड़ी सहजता से इस काम को किया और यही कारण है कि उनकी काल को जो है सुशासन काल के रूप में माना जाता है और उस काल को लोग आज भी याद करते हैं। निखिल, बिल्कुल आशुतोष, जिस तरह से एक बहुत ही आम परिवेश में वो बड़े हुए और एक बहुत ही आम परिवार में उनकी पैदाइश हुई, किसान थे उनके पिता, किस तरह से देखते हैं उसको लेकर भी काफ़ी किस्से हैं कि कैसे एक बाल स्वयं सेवक के रूप में और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप तक उन्होंने एक अपना राजनीतिक सफ़र तय किया और किस तरह से उनका राजनीतिक में रुझान हुआ उसको लेकर भी उन्होंने कई किस्से साझा किए हैं मीडिया से। देखिए, कल्याण सिंह का जो राजनीतिक जीवन रहा है वो उन्होंने जब प्राथमिक और मिडिल की स्कूल की परीक्षाएं पास की, एक बहुत ही मामूली परिवार में पैदा हुए थे, उसी वक्त से वो संघ की शाखाओं से जुड़े, आरएसएस की वैचारिक धरातल से जुड़े और सिद्धांतता उन्होंने स्वीकार किया कि यह राष्ट्रवाद की जो धारा है इस धारा से ही देश का कल्याण हो सकता है। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आवश्यकता को भी महसूस किया और यही कारण था कि वो भारतीय जनता पार्टी के और खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक स्वयंसेवक के रूप में और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सफर शुरू किया। पहले शिक्षक बने जिससे जीविका उपार्जन हो सके, लेकिन उसके बाद में जब उन्हें पार्टी का टिकट मिला तो पहली बार में ही चुनाव जीतने में सफल हुए। बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके बाद मीडिया से उन्होंने बात की। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है, हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दें, यही प्रार्थना करता हूँ। तो काफी भावुक नजर आए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि एक सामर्थ्यवान नेता को हमने खोया है और यही आशा करते हैं कि उनके आदर्शों को लेकर हम आगे बढ़ें, इस दुख की